Welcome dear student, in this video lecture we discuss the mitochondrial genome. First we start the video lecture, first discuss the word genome. Genome is the old sum of genetic material present inside the cell is known as genome. The genome are present mainly two regions, two organelles, mainly nucleus and organelles. The genome present in the nucleus are known as nuclear genome, and the genome present in the organelle are known as organelle genome. Only two organelles have consist genome, first mitochondria and second chloroplast. Now in this video lecture we discuss only organelle genomes, in mainly mitochondrial genome. The organelle genome, organelle like mitochondria and chloroplast, contain an independent DNA genome. जो organelles है mitochondria और chloroplast वो contain रखते हैं independent DNA genome, जिसको हम क्या कह रहे हैं organelle genome. Organelle genomes are usually circular molecules of double stranded DNA which codes for some but not all the proteins found in the organelle. जो organelle genome है वो usually कैसा होता है हमारा, circular होता है, but not always. इसके अलावा ये क्या करता है, जो protein की formations करता है वो not all the, जो हमारे जो mitochondria के अंदर जितनी भी protein present होते हैं सभी को code नहीं करता, only few proteins are formed. Most of the proteins in mitochondria and chloroplast are encoded by nuclear DNA and imported into the organelle from the cytosol after they are synthesized on the cytosolic ribosome. ठीक है, जो most of proteins है वो mitochondria खुद synthesize करता है, chloroplast खुद synthesize करता है, but जो rest of proteins है वो synthesize करता है हमारा nuclear DNA. और nuclear DNA जैसे हमारा ये cells है, cells के अंदर हमारा nucleus present है, nucleus के अंदर हमारा nuclear जीनोम प्रेजेंट है. हमारा जैसे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, सम प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस करता है, बट जो सम प्रोटीन की फॉर्मेशन है ये हमारा जो न्यूक्लियर डीएनए है ये क्या करेगा, हमारा आरएनए के अंदर चेंज होगा, और ये आरएनए क्या करेगा हमारे जो न्यूक्लियस से बाहर आएगा और साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, हमारी साइटोप्लाज्म जो राइबोसोम है उसको ट्रांसक्राइब करेगा उस आरएनए को प्रोटीन्स के अंदर. तो हाफ प्रोटीन्स आर फॉर्मड बाई द न्यूक्लियर जीनोम एंड हाफ प्रोटीन आर फॉर्म बाई दी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. ऑल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ दी ऑर्गेनल डीएनए मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन रखते हैं मल्टीपल कॉपीज, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें हम, ईच ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अबाउट 10 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो हमारा ह्यूमन का माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर 10 कॉपी प्रेजेंट होती है डीएनए की. ठीक है, तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल्स है इनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उनकी मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होती है. नाउ द प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनल जीनोम सजेस्ट दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट फॉर्मड ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द यूकैरियोटिक सेल्स एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. जो हमारा यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में जो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, वो सजेस्ट किया जाता है कि उनकी जो फॉर्मेशंस वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया थी उनसे हुई थी. क्योंकि जो हमारा प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के अंदर हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और हमारी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ हैव सिमिलरिटीज, देन वी कैन सजेस्ट दैट कि प्रोकैरियोट्स है वो आगे इवोल्व हुए हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बाय दी सिम्बायोटिक थ्योरी. ठीक है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है हमारा, डीएनए होता है. इसके अंदर भी जो डीएनए है वो कैसा होता है हमारा, सर्कुलर प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर. यूकैरियोट में भी डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है हमारा, सर्कुलर प्रेजेंट होता है. बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इज 70S राइबोसोम इन इवन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो प्रजेंट 70S क्रोमोजोम. दीज सिमिलरिटी रिप्रेजेंट दी यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर इवोल्व फ्रॉम दी प्रोकैरियोट्स फ्री लिविंग
बैक्टीरिया बाय दी थ्योरी ऑफ एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी। ठीक है, कि हमारा जो इवोल्यूशंस हुआ है, जैसे हमारा जो सेल्स थी, हमारे जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे हमारे, उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो खुद की सिंथेसिस करता है बाय दी फोटोसिंथेसिस, और ये दोनों क्या करेंगे, क्लोज एसोसिएशन में रहेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रजेंट होने लगे। एक फूड प्रोवाइड कर रहा था, एक उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, और दोनों ने क्या किया, एक न्यू ऑर्गेनलेज की फॉर्मेशन की यूकैरियोट्स के अंदर। नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर जीनोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, मीन्स न्यूक्लियर डीएनए वर्सेज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। द न्यूक्लियर डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, बट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। द न्यूक्लियर डीएनए कंटेन 99% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल्स, बट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कंटेन ओनली 1% ऑफ जीनोम ऑफ एनी इंडिविजुअल्स। The nuclear DNA contain two sets of 23 chromosomes, but each mitochondria may have several copies of the single mitochondrial DNA molecules. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर सेवरल कॉपी होते हैं, सच है, जब एग्जाम्पल ले ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के एग्जाम्पल ले तो उसके अंदर कितनी कॉपी प्रजेंट होती है, 10 कॉपीज प्रजेंट होती है। DNA proteins, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो डीएनए पैक्ड होता है क्रोमेटीन के अंदर, क्योंकि उसका जो साइज है वो कैसा होता है, बहुत ही लार्ज होता है। उसको जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको क्या करने का काम करती है, पैकिंग में काम करती है। ठीक है, उसको पैक करने में काम करती है। तो डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए कैसा होता है, पैक्ड होता है क्रोमेटीन के अंदर, बट जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कैसा होता है, हमारा नॉट पैक्ड इन क्रोमेटीन। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे जो डीएनए वो हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और मेनली कैसा होता है, मोस्टली लीनियर होता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोजोम आर मोस्टली सर्कुलर। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियर डीएनए है उसका जो इनहेरिटेंस होता है, बोथ मैटरनल और पैटर्नल, बोथ इनहेरिटेंस होता है, मीन्स पेरेंट भी इनहेरिटेड कर सकता है और मदर भी इनहेरिट करती है, बट जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसका जो इनहेरिटेंस होता है ओनली मदर से होता है। ठीक है, ओनली मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। द न्यूक्लियर डीएनए कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम मैटरनल लीनिएज। ठीक है, जो एक ही जो हमारा मैटरनल लीनिएज है, जैसे हमारा मदर से है, मदर से जो हमारी जैसे डॉटर या सन्स जो फॉर्मड हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशंस है वो माइटो न्यूक्लियर डीएनए के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इस पेरेंट्स का सन है या डॉटर है, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम मैटरनल लीनिएज। ठीक है, दीज आर दी सम डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। नाउ वी डिस्कस द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज शॉर्ट रिप्रेजेंट MTDNA। द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज द स्मॉलेस्ट जीनोम एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है ये हमारा स्मॉल जीनोम होता है, और ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, और मोस्टली इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हैप्लोइड इन नेचर, बट न्यूक्लियर जो क्रोमोजोम है ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, दो सेट प्रेजेंट होता है, मींस डिप्लोइड प्रेजेंट होता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल इज हैप्लोइड इन नेचर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन्स 37 जीन्स, ऑल दी एसेंशियल फॉर दी नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो हमारा माइटोकॉन्ड, हमने बताया स्मॉल जीनोम है, तो इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो डीएनए कंटेन रखता है 37 जीन्स, और ये जो 37 जीन्स है वो एसेंशियल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नॉर्मल फंक्शन के लिए। 13 जीन्स मेकिंग एंजाइम इन्वॉल्व इन दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP प्रोडक्शन। ठीक, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन, जैसे फॉस्फोराइलेशन वाले फॉर्मेशंस ऑफ ATP, दो टाइप से ATP की फॉर्मेशंस हो सकती है, एक तो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से क्या होती है ATP की प्रोडक्शंस होती है, एक होता है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, उसमें जो हाई एनर्जी का जो सबस्ट्रेट है वो लो एनर्जी के सबस्ट्रेट को क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, और जब वो लो एनर्जी के कंपाउंड के अंदर चेंज होता है तो फॉस्फेट को रिलीज करता है। उस फॉस्फेट को रिलीज कौन, एक्सेप्ट कौन करता है, हमारा ADP उस फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाता है, ATP के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन हो सकते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो 37 जीन्स है, आउट ऑफ 37 13 जीन्स के जो एंजाइम है वो हेल्प करते हैं ATP प्रोडक्शंस के अंदर।
Oxidative phosphorylation process involve use of the oxygen and simple sugar to form ATP. जो हमारा oxidative phosphorylation है वो उस process के अंदर जो हमारा जो sugar molecule है, ठीक है, सच है, जो हम glucose का example है C6H12O6, जो हमारा sugar molecule है इसको oxygen की presence में क्या करता है, breakdown करता है और किसके formations होते हैं हमारी ATP की formations, और जो हमारा जो cellular respirations है वो कहाँ पे होता है, हमारा mitochondria के अंदर होता है, इस वजह से हम mitochondria को powerhouse of the cells कहते हैं, और जो ATP है हमारी cells की energy currency है, और ATP stand for adenosine triphosphate. जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की बात करें तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कंटेन्स 16,569 बेस पेयर्स इन दी लेंथ, ठीक है, उसकी जो डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो डीएनए का जो साइज है वो कितना कंटेन रखता है, 16,569 बेस पेयर कंटेन रखता है, या फिर हम नॉर्मल में कह सकते हैं इसके अंदर जो साइज होता है 16 to 80 KB बेस पेयर होता है, के स्टैंड फॉर थाउजेंड. इट लेक्स इंट्रोन एंड कंटेन नो लॉन्ग नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके अंदर इंट्रोन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, मीन्स उनके अंदर जो नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है वो क्या होती है, अब्सेंट होते हैं, मीन्स उनके अंदर क्या होता है, ओनली कोडिंग सीक्वेंस प्रजेंट होते हैं, जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एक्जोन्स, ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स के अंदर डीएनए के अंदर ओनली एक्जोन प्रेजेंट होता है, इंट्रोन क्या होता है, अब्सेंट होता है, मींस उनके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंस अब्सेंट होती है. ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनकोड्स 2 rRNA फाउंड इन दी माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स एंड 22 tRNA यूज टू ट्रांसलेट माइटोकॉन्ड्रियल mRNA एंड 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं. तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्राइब होकर जो आरएनए की फॉर्मेशंस कर रहा है, आरआरएनए की फॉर्मेशंस कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशंस कर रहा है, जो हमारे टीआरएनए की फॉर्मेशंस कर रहा है, और ये जो हमारा एमआरएनए की फॉर्मेशंस कर रहा है, और जो एमआरएनए लास्ट में किसकी फॉर्मेशंस करेगा, प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस करेगा. तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो 2 rRNA की फॉर्मेशंस करता है, 22 डिफरेंट टीआरएनए की फॉर्मेशंस करता है, और 13 डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस करता है, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन्स 2 general regions, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसके अंदर 2 regions प्रेजेंट होता है, एक होता है हमारा कोडिंग रीजन, सेकंड वन इज कंट्रोल रीजन. द कोडिंग रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन. एक तो जो कोड करेगा उन एंजाइम की फॉर्मेशंस के लिए जो हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशंस के अंदर, सेकंड हमारा कंट्रोल रीजन उन एंजाइम की फॉर्मेशंस करेगा जो रेगुलेट करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को रेस्पिरेशंस के अंदर. तो एक तो हमारा कोडिंग रीजन होता है जो क्या करता है सेलुलर रेस्पिरेशंस के लिए जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है उनको फॉर्म्ड करता है, सेकंड हमारा जो कंट्रोल रीजन्स है वो क्या करता है उन डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करता है, उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है जो सेलुलर रेस्पिरेशंस को रेगुलेट करती है. देन इट इवोल्व्स फास्टर देन द न्यूक्लियर डीएनए प्रोबेबली ड्यू टू इनसफिशियंट रेप्लिकेशन एरर, ठीक है. जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें और हमारी जो न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो दोनों के अंदर अगर इवोल्यूशंस की बात करें तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसके अंदर जो इवोल्यूशंस का रेट है वो फास्ट है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कोई भी रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है. इस वजह से जो जीनोम है उसके अंदर जो इवोल्यूशंस का रेट है वो कैसा है, हमारा हाई है, फास्ट रेट पे प्रेजेंट होता है. नाउ जनरल माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट हैव रिकम्बिनेशन, और इनके अंदर जो आपने रिकम्बिनेशंस का प्रोसेस होगा कि जो जीन्स प्रेजेंट है उनके अंदर रिकम्बिनेशंस क्या होता है, अब्सेंट होता है, डज नॉट रिकम्बिने, ठीक है. ईच माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल्स, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं मल्टीपल डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सच एज अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करें तो उसके अंदर 10 different types के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होते हैं, 10 copies प्रेजेंट होती है सेम डीएनए की, ठीक है. नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन ए सेल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, द साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मॉलिक्यूल्स पर माइटोकॉन्ड्रिया. जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम है डीएनए है उसका जो साइज है वो डिपेंड करता है, एक तो कि हमारी जो
सेल है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उनका नंबर कितना है, ठीक है, दो नंबर, टू इन नंबर, थ्री इन नंबर, फोर इन नंबर। तो एक तो अगर मान लो दो सेल्स के अंदर कंपैरिजन करें, एक के अंदर क्या है, ओनली सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। तो जो डीएनए की कंटेंट की बात करें तो दो सेल्स है तो ज़्यादा किसके अंदर होगा, फर्स्ट वाली सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए वो ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू सेकंड। तो एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन दी सेल्स, एंड दी सेकंड डिपेंड इन दी नंबर ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रियल मॉलिक्यूल्स, कि इनके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनकी कितनी कॉपीज प्रेजेंट है। एंड थर्ड डिपेंड करता है वो उसके साइज के ऊपर, कि इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसका साइज क्या है। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो डिपेंड करता है, उसकी अमाउंट है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, वो कंपेंड करती है तीन फैक्टर्स के ऊपर, एक तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, सेकंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, एंड थर्ड नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। जो ह्यूमन का जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है उसका साइज क्या होता है, कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, उसमें इंट्रॉन प्रेजेंट होता है नहीं होता है, कितना पोर्शन उसका कोडिंग होता है। तो अगर साइज की बात करें माइटोकॉन्ड्रियल ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, तो उसका साइज होता है 16.6 किलो बेस पेयर, मीन्स या तो हम नॉर्मली जनरल में कह सकते हैं 16 to 18 KB बेस पेयर का साइज होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। अगर नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है डीएनए का। अगर नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के मोर देन वन कॉपी प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ जीन की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसके अंदर 37 जीन प्रेजेंट होते हैं, आउट ऑफ 37 30 जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर रिपीटेड डीएनए की बात करें, रिपीटेड का मतलब होता है कि जो सीक्वेंस है डीएनए की वो रिपीट कर रही है, जैसे ए ए टी सी कितने बार रिपीट कर रही है उसको हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव जो सीक्वेंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर वो कैसी होती है, हमारी वेरी डिटेल होती है। अगर इंट्रॉन्स की बात करें, मीन्स नॉन कोडिंग रीजन की बात करें, तो नॉन कोडिंग रीजन इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है, ओनली कोडिंग रीजन आर प्रेजेंट, जिसको हम एक्सोन कहते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें कोडिंग डीएनए की, तो इसके अंदर 93% कोडिंग रीजन प्रेजेंट होता है। रिकम्बिनेशंस की बात करें तो जीन के अंदर कोई भी रिकम्बिनेशंस नहीं होता है, कोई भी लिंकेज अगर नहीं होता है, कोई भी एविडेंस नहीं है लिंकेज का और रिकम्बिनेशंस का। अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंट होता है ओनली मैटरनल, मीन्स मदर से ही इनहेरिटेंट हो सकता है, फादर कभी भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को इनहेरिटेंट नहीं कर सकता। नाउ वी डिस्कस द यूजेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन फोरेंसिक, कि फोरेंसिक लेबोरेटरीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का क्या क्या यूजेज है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विल बी यूज व्हेन बायोलॉजिकल एविडेंसेस मे बी डिग्रेडेड और इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर कोई भी केस है, कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस है, उसके अंदर जो हमारा डीएनए था वो क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, या फिर सैंपल क्या हो, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो उस टाइम हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यूज कर सकते हैं। इन केस विच एविडेंस कंसिस्ट ओनली हेयर्स बोन्स एंड टीथ, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्प इन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द विक्टिम एंड सस्पेक्टेड पर्सन। मिसिंग पर्सन केस यूज ऑफ द स्केल्टन, जो रिमेनिंग स्केल्टन्स है उसके अंदर जो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है उसका हम यूज कर सकते हैं कोई भी मिसिंग पर्सन के केस के अंदर। एस्टेबलाइजिंग इंडिविजुअल्स एज सस्पेक्ट हेयर एविडेंस, ठीक है, कोई भी सस्पेक्ट है, इंडिविजुअल्स है, उसके अंदर जो हेयर एविडेंस है उसका यूज कर सकते हैं हम उसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। दीज आर सम फोरेंसिक यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। नाउ वी डिस्कस द मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो जो इनहेरिटेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो ओनली मदर से होता है, मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म ओनली कंट्रीब्यूट इट न्यूक्लियस 23 क्रोमोजोम। जो पेरेंट्स है, जो स्पर्म है, मेल गैमिट्स है, जो पेरेंट्स से आता है, पैटर्नल है, वो ओनली न्यूक्लियर जीनोम को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, जिसके अंदर क्या होते हैं 23 क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द स्पर्म सेल आर लोकेटेड एट द माइटोकॉन्ड्रियल सीड विच इट डेस्ट्रॉयड अपॉन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो हमारे जो स्पर्म्स है, स्पर्म के पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओनली न्यूक्लियस आर एंटर इन दी
ovum, and the rest part are degraded after the fertilization. So mitochondria does not enter in the ovum after fertilization. Then mitochondria only present in the ovum, which can transfer in the individuals. So we can say that the mitochondrial DNA inheritance only mother, maternal inheritance are occur. Only available mitochondria is that the mother, that is why mitochondrial DNA is maternal origin. जो हमारा mitochondria DNA जो कम होता है only mother से कम होता है, और जो हमारा nuclear DNA है वो both parent हमारे maternal और parental हो सकता है. तो offspring के पास जो mitochondria होता है वो mother का होता है, maternal होता है, but जो nuclear DNA होता है वो both parents का होता है. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो इनहेरिटेंस होता है ओनली मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, और न्यूक्लियस का जो इनहेरिटेंस है बोथ मैटरनल भी होता है, मदर भी कंट्रीब्यूट करती है, उसको इनहेरिटेट करती है, और जो हमारा मेल है वो भी क्या करता है, इनहेरिटेट करता है. ठीक है, दिस ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. थैंक यू.